पूर्णिया में पप्पू यादव का बड़ा बयान, गांजा पीकर एग्जिट पोल बना रहे लोग। लोकसभा चुनाव के काउंटिंग से ठीक पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद उम्मीदवार पप्पू यादव ने एग्जिट पोल पर अपना बड़ा बयान दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर पप्पू यादव ने कहा कि चाणक्य ने गांजा पीकर एग्जिट पोल बताया है, बिना गांजा पिए तो सीट से ज्यादा जीत कैसे दे सकते हैं। साथ ही पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन को 15 से 20 सीट आने का अनुमान है, खुद को इंडिया गठबंधन का ही दावेदार भी मान रहे हैं। सिस्टम का बना दिया मजाक, ईवीएम तोड़ने वाले विधायक को हाईकोर्ट ने दी राहत तो भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक विधायक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आंध्र प्रदेश में मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नष्ट करने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मचेला विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी मतगणना केंद्र या उसके आसपास के क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, यह सरासर मजाक है, इतने सारे लोग मतदान केंद्र में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आप नेता मनीष सिसोदिया, जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने पूरे मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया है, साथ ही घोटाला सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाए हैं। दिल्ली में ताज एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन के पास सोमवार को ताज एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लग गई है। 12280 ताज एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई है। आग से किसी के हताहत या नुकसान होने की सूचना नहीं है। वहीं CPRO उत्तर रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि तुगलकाबाद ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग गई, सभी यात्री सुरक्षित हैं। शीतल अंगुराल को बड़ा झटका, वोटिंग से पहले आप छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी यानी आपके विधायक शीतल अंगुराल का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। इस्तीफा 30 मई को मंजूर हुआ है। अंगुराल लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे और विधायक पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि अंगुराल ने 1 जून को विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वे अपना इस्तीफा वापस ले रही हैं। यूपी में अगड़ी जातियों के खेल ने बीजेपी को चौंकाया, सर्वे में बड़ा दावा, 2 लड़कों की जोड़ी का क्या हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुके हैं और अब 4 जून को मतगणना का इंतजार है। इससे पहले EBP वोटर्स सर्वे में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगड़ी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया है। चुनाव के शुरुआती चरण से ही जिन जातियों के नाराज होने की बात कही जा रही थी, उन्होंने बीजेपी की झोली वोट से भर दी। चुनाव मैदान में खूब बहाया पसीना, कांग्रेस के इन विधायक पुत्रों का तय होगा राजनीतिक भविष्य। लोकसभा चुनाव का परिणाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के विधायक पुत्रों की भी अग्नि परीक्षा लेगा। 2 दिग्गज नेताओं के विधायक पुत्रों का राजनीतिक भविष्य 4 जून को तय हो जाएगा। विधायक बेटों ने पिता को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। राजगढ़ और रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों दिग्गज नेता सार्वजनिक रूप से आखिरी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। DAVB इंदौर में पेपर लीक मामले को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं से मिले उच्च शिक्षा मंत्री, धारा 52 लागू करने की कही बात। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में MBA प्रथम सेमेस्टर के 2 पेपर लीक मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है। पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अब ABVP कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है, साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ABVP कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 को लागू करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस 16 सीटें जीतेगी, नाना पटोले ने किया बड़ा दावा तो संजय निरुपम भड़के। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की ओर से संजय निरुपम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधा है। उन्होंने नाना पटोले के दावों पर कहा, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही ऐसा दावा कर सकता है, मुझे तरस उन नेताओं पर भी आ रहा है जो जूम मीटिंग में इस बड़पोलेपन पर हंस भी नहीं पाए होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। LG विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश भेज दी है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। 31 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजकुमार आनंद के इस्तीफे को मंजूर करने की सिफारिश उपराज्यपाल को भेजी थी।